दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ आप देख रहे हैं एचजी महत हाउजन। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि सीमांकन के बारे में। जी हाँ, जमीन जायदाद जब हम लोग खरीदते हैं तो सीमांकन जरूर करा लेना चाहिए, ताकि सीमांकन कराने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारी जमीन का एरिया सीमा कहाँ से कहाँ तक का है, ये चीजें हम लोग जान पाते हैं। और दोस्तों आगे चल के हम लोग अगर जब भी हम जमीन खरीदते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके सामने ही जो है जो लोग विक्रेता होता है, बेचने वाले व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग जमीन को सीमांकन करा के दीजिए, ताकि वहाँ से हमें पता चल सकता है कि कब जो है वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर जिस समय जो वहाँ पे सीमांकन होता है उस समय जो है अमीन आरए पटवारी लोग रहते हैं, मौजूद रहते हैं, साथ में दोस्तों गांव के लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो अगल बगल के जिनका जिनका जमीन रहता है। आपका जो जमीन है, जिस जमीन में आप सीमांकन करवा रहे हैं उस जमीन के अगल बगल में, उत्तर में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका है, दक्षिण में किसका है और पूर्व में किसका जमीन है, ये सारे चीजें जो जिनका जिनका जमीन रहता है उन लोग भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और जब सीमांकन किया जाता है तो उसमें अपना अपना सीमा बताते हैं। दोस्तों वहां पर क्या होता है कि उसमें आपको एक्चुअल जमीन का आपको दिखाई देता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बोल दे कि ये जमीन यहाँ से यहाँ तक मेरा जमीन है बोल देगा, तो आप लोग कैसे मानेंगे, उस जगह में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो उस समय जब सीमांकन होता है तो उस समय मौजूद रहते हैं सारे सभी लोग मौजूद रहते हैं, अगल बगल के जमीन वाले भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो वहां पर उन लोग जब वो नापा जोखा होता है उस समय जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ताकि जो है उनके जमीन में जब जाएगा तो जरूर जो है उन लोग जो है ऑब्जेक्शन करेंगे, ये यहाँ से मेरा जमीन है बोलेगा, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा ये यहाँ से मेरा जमीन है बोलेगा। तो वहां पर क्या होगा, आपको एक्चुअल जमीन का सीमा आपको दिखाई देगा, एक्चुअल जमीन आपको जो है मिल जाएगा। तो आप उसी के आधार पर जो है आप उसको जो सीमांकन पहले करवा लें, सीमांकन करवाने के बाद आप जो है जमीन जायदाद का जो रजिस्ट्री कराते हैं, भले आपने एग्रीमेंट करा लिए हैं, ठीक है, रजिस्ट्री कॉपी देखकर आपने एग्रीमेंट करा लिए हैं, और एग्रीमेंट कराने के बाद आपने कुछ पैसा एडवांस भी दे दिया। एडवांस देने के बाद भी जैसे आपने जो है रजिस्ट्री कराने का नौबत आता है, रजिस्ट्री कराने से पहले पहले एक बार उसको जो है सीमांकन करवा लें, वो जो विक्रेता के मौजूदगी में आप सीमांकन करवा लेंगे, तो आगे चल के आपको जो है दोबारा परचेज करने के बाद आपको जो है सीमांकन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस समय आपके जमीन का एक्चुअल आपका जो है एरिया आपको पता चल पाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका जमीन है। तो जितना आपका जमीन निकलेगा, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कॉपी में ज्यादा जमीन है, ठीक है, ज्यादा जमीन दिखा रहा है, लेकिन जब नापा जोखा जब हो रहा है उस समय आपको जो है वहां पे कम दिख रहा है, तो जितना आपको जो है निकलेगा वहां पे तो उतने का ही जो है आपका रजिस्ट्री होगा। मान लीजिए कि आपने जो है रजिस्ट्री कॉपी में 5 एकड़ जमीन दिखाई दे रहा है और आपको वहां पे जो है 4 एकड़ 80 डिसमिल जमीन निकल रहा है, तो आप जो है 4 एकड़ 80 डिसमिल का ही जो है आप रजिस्ट्री कराएंगे और उतने का ही जो है आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो उतने का आप जो पेमेंट देंगे तो आपका यहाँ पे जो बेनिफिट रहता है। अगर आप रजिस्ट्री को देखकर आपने रजिस्ट्री करा देते हैं तो वहां पे जो 20 डिसमिल का जो है आपको 20 डिसमिल का आप एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे और आपको 20 डिसमिल आपको जमीन नहीं मिलेगा, यानी कि 5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कॉपी में दिखा रहा है लेकिन आपको जब सीमांकन कराने पर आपको जो है 4 एकड़ 80 डिसमिल खाली मिल रहा है, तो आपको सिर्फ 4 एकड़ 80 डिसमिल का ही आपको पेमेंट करना होगा और उतने का ही आपको जमीन रजिस्ट्री भी करना होगा, क्योंकि आपको उतना ही जमीन मिल रहा है, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ में दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्शन अगर उस जमीन पर, उस जमीन कब्जे वाली जमीन हो, चाहे जो है पुश्तैनी की जमीन हो, चाहे तो रजिस्ट्री खरीदी हुई जमीन हो, तो ऐसे मामले में वहाँ पे अगर कोई भी विवादित अगर वहाँ पे जमीन है, वो जमीन अगर विवादित होगा तो जब आप सीमांकन कराएंगे तो जरूर जो है वहाँ पे आस पड़ोस लोग जो है ऑब्जेक्शन जरूर करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि ये ऑब्जेक्शन वाला विवादित वाला जमीन है या फिर जो है साफ सुथरा जमीन है, ये भी आपको पता चल जा पाएगा और आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप लोग को रजिस्ट्री कराने से पहले पहले आप सीमांकन करवा लें, ताकि जो आप बोल लेंगे सीमांकन करा के दीजिए, हमारी मौजूदगी में आप एक बार सीमांकन कराएं और जो है जमीन को हम लोग उत्तर के हम इस जमीन को रजिस्ट्री करेंगे, उसके बाद ही जो है हम आपको पेमेंट करें, तो आपका यहाँ काफी बहुत सारा चीजें बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएगा, साथ में चैनल में नया है तो इस चैनल को
सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।